बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो सबसे पहले तो इस कोर्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाते चलें। ये कोर्स स्पेशलाइज्ड है अबाउट द एग्रीकल्चर। जो आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने भी लोग हैं, उनका ज़्यादातर जो ज़रूरी तरक्याती बैंक है, एग्रीकल्चर जिसको आप ज़रूरी तरक्याती बैंक ZTBL कहते हैं, उसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं पॉलिसी मेकिंग में, कहीं रिसर्च में कांटेक्ट होता रहता है। तो सबसे पहले तो हमने इसका बैकग्राउंड देखना है कि ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड, ये गवर्नमेंट का जो एक प्रोजेक्ट टाइप है जो सपोर्ट करता है, या आप ये समझ लें कि इसका एक जो रोल है वो इंटरमीडियरी टाइप रोल है। जैसे आप कह सकते हैं कि दो चीज़ों को या दो जो बड़े मिशन्स हैं उनको लिंक करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ज़रात का जो एरिया है वो होता कहाँ पे। डेफिनेटली जितने भी विलेजेस हैं यहाँ, जो खुली जगह हैं जहाँ पे काश्तकारी होती है, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, या जो भी ज़मीन फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स वो यूज़ होता है, फर्दर उसको एज ए हम फाइनल प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं समटाइम, और समटाइम उन प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं जो फर्दर प्रोसेसिंग में काम आती हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है वो तकरीबन 60% ऑफ पाकिस्तान की जितनी एम्प्लॉयड पीपल हैं या जिनका ज़रिया मुआश है, 60% जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ लिंक्ड है। और जितने भी डिवेल्प्ड कंट्रीज़ हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसा कि पाकिस्तान या बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं और बाकी कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन वो एज ए रॉ मटेरियल इन डेवलपिंग कंट्रीज से ख़रीदते हैं और फर्दर उनको प्रोसेस करके अपने कंट्री में फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट जो है वो इन कंट्रीज़ को बेचते हैं। तो जो डिवेल्प कंट्रीज़ हैं उनका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये समझ लें इन मुल्कों के साथ ज़रात के साथ लिंक है। जितनी अच्छी ज़रात होगी, जितनी अच्छी एग्रीकल्चर होगी, उतना ही उनको भी एक अच्छा मौका मिलेगा। वो अच्छी जब मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो उसकी कॉस्ट कम होती है, और इसी तरीके से जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उसकी ज़्यादा आप फर्दर प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, ईज़िली बाय भी कर सकते हैं, और मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो पूरी भी की जा सकती है। अगर ये प्रोडक्शन सही तरीके से मॉनिटर ना की जाए या उसको सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो ये कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप ये देख लें कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो थ्रू वर्ल्ड बैंक, थ्रू IMF, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, या जो थ्रू UN मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं जिससे डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकॉनमी को, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक एरिया फिनेंशियल इंक्लूजन की तरफ आ जाता है कि इस एरिया के लोग जिनको फाइनेंसिस की सर्विसेज मुहैया नहीं होती और वो एग्रीकल्चर के साथ लिंक होने की वजह से और रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से जो ज़मीन की प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकती है वो नहीं हो पाती। तो इस कमी को पूरा करने के लिए उनकी जो ज़रूरत होती है, दहरी बात एक काश्तकार जो है उसके पास अगर ज़मीन कम है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, इतनी सेविंग्स नहीं है, तो जो उसको टाइम पे अच्छा सीड, अच्छी खाद और इस तरह के जो पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करनी होती हैं वो मुहैया नहीं होती। तो इस कमी को पूरा करने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करने के लिए और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ लोग मुंसलिक हैं उनकी फाइनेंस यानी कि उनके जो पैसे की कमी को पूरा करने के लिए जो ज़रूरी तरक्याती बैंक है, ये एक इंटरमीडियरी रोल अदा करता है। जितने भी इसको एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ क्रेडिट्स वगैरह फैसिलिटेट करना हो, एक्सटेंड करना हो, या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिसर्च का काम हो, या प्रोडक्ट की कहीं शॉर्टेज हो, या आने वाले टाइम में कौन सी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से हमने ग्रो करना है, या उसके अंदर इनोवेशन कैसे लाई जा सकती है, अच्छी मशीनरी का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, और अगर उसमें फाइनेंस की कमी है तो ज़रूरी तरक्याती बैंक इस कमी को पूरा करने के लिए फाइनेंस लोन्स एक्सटेंड करता है। तो ज़रूरी तरक्याती बैंक का मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताया। अब चलते हैं कि इस जो ये कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग मुंसलिक हैं